भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बिलथौड़ में मौजूद हूँ और यहीं पास में उभाव थाना भी है। उभाव थाने पर जो है एक फरियादी जो है आज गई हुई थी, क्योंकि इन्हें हम लोगों ने 7 अक्टूबर को इसी महीने में जब संपूर्ण समाधान दिवस था और बलिया डीएम रविंद्र कुमार का आगमन हुआ था तो वहाँ पर भी इनको देखा था, उनको जो उनसे फरियाद करते हुए। हालांकि जो है डीएम रविंद्र कुमार जो है इनकी अप्लीकेशन के बाद अधिकारियों पर दूसरे संबंधित विभाग को जो काफी जो है नाराज भी हुए थे और इनका समय संभवतः 2 दिन का ही समय जो है उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन जब इन्हें आज हमने जो है थाना दिवस पर भी देखा है तो हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई है कि जिस डीएम ने, जिस जिला अधिकारी ने, जो जिला का मालिक है, उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई 2 दिन के अंदर जो है इनका कार्य हो जाना चाहिए। आज लगभग जो है 1 महीना होने को है, आज इस महीने का जो है आखिरी तारीख चल रही है, आज थाना दिवस था। थाना दिवस उसने कब्जा कर रखा है, कौन कब्जा किया है? मालती देवी, सफाई कर्मी है। हाँ, मतलब उनसे कोई रिलेशन है या गांव की है? कहाँ की? गांव की है। कब्जा करने का क्या रीजन था, कैसे कब्जा? कब्जा करने के लिए कि हमारी नाम से खेत है, नेट पे चढ़ गई है और हमारी जो कि उसके खेत के आस, मेरे खेत के आस पास उसका कुछ भी नहीं है, फिर भी नेतागिरी करती है। वो अपने नौकरी पैसों के बल पे हमें परेशान कर रखी है। पति देव का क्या नाम? कन्हैया। वो क्या करते? वो मतलब नहीं है। हाँ सर। तो आपने डीएम से आज कहा, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सर, रिपोर्ट देखते हुए हमें न्याय दिलाने की कृपा किए हैं कि इसको कृपा दिल, इसको जल्द से जल्द न्याय दिला जाए। कर्मी को बर्खास्त करने की कुछ ऐसी बातें की है? हाँ सर, बोले हैं जो सफाई कर्मी है तो आज होकर वो सरकारी काम में क्यों बाधा डाल रही है, जो कि ये सब कुछ कागज पूजा सब कुछ देखते हुए सही है, वो गलत कर रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको क्या उम्मीद है आज जिस तरह से आपकी बात फरियाद जो है बलिया डीएम ने सुना है, आपको क्या उम्मीद है? सर, मैं डीएम सर से ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि सर, मैं एक छोटा बच्चा लेकर के, मेरे घर में सास ससुर बुजुर्ग हैं जो मेरे ससुर चल फिर नहीं सकते, मैं बहुत गरीब और असहाय हूँ और मैं कानगो से लेकर कानगो लेखपाल, एसडीएम, नायब, उहाव थाना से लेकर मैं दौड़ते दौड़ते मैं थक गई हूँ, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिली। आज मैं ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि आज डीएम सर आने वाले हैं, शायद वो मेरी जिस पीड़ित महिला का पुकार सुन सके और मुझे न्याय दिला सके। मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि सर मुझे न्याय दिलाइए ताकि मैं भी अपना जी खा सकूं, अपना खेत बो सकूं, अपना परिवार। आइए इनसे समझते हैं और जानते हैं एक छोटे से बच्चे को लेकर के ये दर दर भटकने को क्यों मजबूर है। ये नाम बताइए। वंदना जी, आज आप थाना दिवस पे आई थी, क्या उनका कारण था? कारण सर ये था कि 12 तारीख को हमारी जब मैं बलिया गई, डीएम सर, एसपी सर के पास मैं गई, मैं सर से गुहार लगाई कि सर मैं अब से बेलसरा रोड तहसील दिवस में मैं आपसे शिकायत दर्ज की थी, आपने बोले कि आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। उन लोगों को अधिकारी लोगों को डांटे, बोले जो कि मेरा 5 दिन हो गया। फिर मैं देखी मेरा कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं बलिया जिला गई, बलिया गई, मैं डीएम सर से कंप्लेन की, बात कही सर मैं बेलसरा रोड में आपसे शिकायत दर्ज की थी, तहसील दिवस की थी, मेरा अभी तक ले हमें कोई न्याय नहीं मिली। तो डीएम सर ने यहाँ तुरंत फोन करके बोले उसी दिन जो 12 तारीख को नायब तहसीलदार सर, इंस्पेक्टर सर जी भाव थाने के फोर्स लेकर के पहुँचे और हमारे जमीन को कब्जा करा करके पत्थर तो गड़ी करा दिए। मैंने उसी समय ट्रैक्टर मंगाई ताकि फोर्स के सामने ही मेरा खेत जोता बोआ जाए ताकि मैं अपना खा सकूं, लेकिन नायब सर ने बोले कि हमें सिर्फ पत्थर गड़ी करने का आदेश मिला है, जो तो आने बोआने का नहीं, तो अगले दिन जोता जाएगा। फिर सर इतना कह करके चले गए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। फिर उसके बाद मैं आज थाना दिवस है, मैं आज आई हूँ थाना उभाव थाने में, मैं सर से बोली सर हम अगले दिन, दूसरे दिन फिर मैं ट्रैक्टर मंगवाई जोतवाने के लिए, महिलाएं पुरुष दौड़ आए, बोल रहे अगर तू जोतवाई खेत को तो तू लोगों को जो देवरिया जिला का मर्डर हुआ है ऐसे ही हाल तुम लोगों के साथ किया जाएगा। मैं वहाँ मजबूर होकर के, मेरे घर में सास ससुर बुजुर्ग है 70-80 साल के, मैं एक महिला बच्चा लेकर के मैं 7 महीने से दौड़ रही हूँ, अभी तक ये हमारी अभी
पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, ना मुझे भी न्याय मिली है। हमारी खेत कब्जा हो गई लेकिन इसी तरह खाली पड़ी है, हमें जोतने बोले थाने नहीं दिया रहा है। मैं आज थाने में आई थी या जीएम सर के पास, इंस्पेक्टर सर के पास, उन लोगों से मैं अपना गुहार लगाएगी सर, मौके पे जा करके वहाँ पे फोर्स लेकर के खड़ा होकर के हमें जुटवा करके गुआने की कृपा करें, जो हमारी सुरक्षा हो सके, मार झगड़े से बचाए हमें और हमें न्याय दिलाए। आज जब आप थाना दिवस पर गए हैं तो एसडीएम मिले हैं आपको, एसडीएम साहब ने क्या जो है आपको संतावना दी है, किस तरह का उनके तरफ से भरोसा दिया गया है, क्या जो है आपसे उम्मीद आपको जगी है? एसडीएम सर यही बोले हैं कि जो उन लोगों का वकील है उनको बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, उन सब महिलाओं को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा। और मुझे बोले जैसे इतना दिन ले तुमने इंतजार की, थोड़ा और कर लो, वो कनपिया हो जाएगा उन लोगों का भी, सब तुम्हारा भी बुआ जाएगा। सर बताइए कि उन लोगों का जो है कि जो कि हमारी सरकारी पक्की नापी थी, उनकी पक्की सरकारी नापी नहीं, ऐसे ही मापी जाएगी, नापा था कितना दिन में नापा जाएगा, हम कब तक इंतजार करें? ऐसे 6 साल तो हम भूखे ही रहे, खरीद खरीद के खा रहे हैं, और कितना दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों का, कब होगा कब नहीं होगा, उनको लेकर के हम बैठेंगे कब तक और भूखे हम मरेंगे? हम गरीब महिला बहुत परेशान है सर, हमें हमारी जमीन कब्जा हो गई, उसे जोतवाने की कृपा करें ताकि मैं अपना उसमें अपना जोत जोत खा करके अपना परिवार चला सकूं। हमें न्याय दिलाइए। इस तरह से जो है महिला है और एक बच्चे को लेकर के दर दर भटकने को जो है मजबूर है, अगर इनके जमीन पर कब्जा हो गया है, अगर यह जोत को नहीं पाएंगी उसे, तो उसमें कैसे जो है यह फसल उगा पाएंगी? इनके सामने जो तमाम समस्याएं हैं और प्रशासन है कि इनकी समस्याओं पर जो है गंभीरता से जो ध्यान दे नहीं रहा है, जबकि जब वह पत्थरगड़ी हो गई तो इनको जो है पूरी तरह से कब्जा दिलाना भी प्रशासन का जो है दायित्व तो बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है। आज यह थाना दिवस पर जो है गुहार लगाई है, एसडीएम महोदय ने इन्हें भरोसा तो दिलाया है लेकिन इन्हें जो यह उस भरोसे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर इनके घर में कोई, आपके घर में पुरुष नहीं है? नहीं, मैं घर की अकेली हूँ, मेरे सास ससुर बुजुर्ग है 70-80 साल के, मैं उनकी अपने पति, मैं ससुर की अकेली बहू हूँ, मेरे पति 10-12 हजार की प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो भी अगर नहीं करेंगे तो खेत तो हमारा वो सब जोतने बोने नहीं दे रही हैं, अगर वो भी आ जाएंगे तो नहीं कमाएंगे तो हम मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं क्या खाऊंगी पीऊंगी, इसलिए वो बाहर है। मैं अपना कर रही हूँ कि हमारी खेत हमें मिल जाए ताकि मैं अपना परिवार खा जी सकूँ। वो सब कहती है कि उसको बुलाओ आ जाएगा तो उसको हम लोग फंसाएंगे, आकर फंस जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ से खाएंगे? आपका नाम? वंदना। घर कहाँ है? मेरा सरिया डीहू भगत। और खेत? पति का नाम? खेत 12 दिन पड़ता है, पति के नाम सूर्यनाथ। तो आप समझ रहे हैं कि इनके पति देव जो है 10-12 हजार की नौकरी जो है बाहर करते हैं और वही उन्हीं की कमाई से जो पूरे घर का खर्च चलता है। एक खेत है जो कि दूसरे के कब्जे में है 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने क्या हो, 1 मार्च को यह बता रही है, जिसका जो है ऑर्डर भी हो गया था और इस महीने में बहुत दौड़ धूप के बाद कहीं डीएम एसपी थाना तहसील का जो इन्होंने चक्कर लगाया तो जा करके वो उसकी नापी हो गई है, लेकिन इनको जो है पूरी तरह से कब्जा जो है नहीं मिल पाया है और इस उम्मीद में यह थाना दिवस पे आई है कि संभवतः जो है एसडीएम महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय उन्हें जो है उनके खेत पर जो है कब्जा दिलाए, वो जो ट्रैक्टर उसमें चला सके, उसमें अन्न पैदा कर सके ताकि अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जो है अपने छोटे बच्चे और अपना जो है पेट भर सके। भारत मीडिया के लिए वो किसी के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, बने भारत मीडिया के साथ।